मध्य प्रदेश के धार जिले में इंदौर खरगोन के बीच बड़ा सड़क हादसा हो गया है। इंदौर से पुणे जा रही बस सुबह 9:45 बजे धामनौद में खलघाट के पास नर्मदा नदी में गिर गई। बस में महिलाओं बच्चे समेत 40 यात्री सवार थे। अब तक 12 शव निकाले जा चुके हैं। इनमें 7 पुरुष और 4 महिला के शव हैं। मृतकों की पहचान नहीं हो सकी है। बताया गया कि बस खलघाट में 2-लेन पुल पर किसी वाहन को ओवरटेक करते समय अनियंत्रित हो गई और ड्राइवर ने संतुलन खो दिया। उसी बीच रेलिंग तोड़ते हुए बस नदी में जा गिरी। हादसे की जानकारी लगते ही खलघाट सहित आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए हैं। वहीं इंदौर और धार से NDRF की टीम मौके पर पहुंची है। यह पुल पुराना बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घटना को संज्ञान में लेते हुए प्रशासन को बचाव और राहत कार्य के आदेश दिए हैं। साथ ही गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि धार जिले के खलघाट में इंदौर से पुणे जा रही यात्री बस के नर्मदा नदी में गिरने की हृदय विदारक सूचना प्राप्त हुई है। अब तक बस में सवार 15 यात्रियों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। ये इंदौर से पुणे जा रही है, बस में क्या तकनीकी खराबी आई, ब्रेक फेल हुआ या स्टीयरिंग रेलिंग टूट गई, मामला पता नहीं। 15 लोग जिंदा निकाल लिए हैं, क्योंकि पानी का प्रवाह बहुत तेज है और लगभग 12 अभी लोगों के हमारे बीच से जाने की खबर दुखद है।